वेलकम बिजनेस में आने के सुना एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एसएम ब्लॉग एसोसिएट। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो एक क्वेश्चन के साथ हम हाजिर हुए हैं कि बहुत सारे लोगों के जो है माइंड में क्वेश्चन होता है कि क्या बेवा जो है वो विरासत में हकदार है या नहीं अपने डिजीज्ड हस्बैंड की। तो जी नाजरीन, आज जो है हम इस क्वेश्चन को अपनी वीडियो में कवर करेंगे। तो अब तक अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि हमारे जो आगे की मजीद मालूमाती वीडियोज है वो आप तक पहुँच सके। बेवा जो है वो विरासत में डिजीज्ड हस्बैंड की विरासत में हिस्सेदार है या नहीं। तो जी नाजरीन, वो बिल्कुल हिस्सेदार है लेकिन दो शर्तों के उससे कि उसको कितना हिस्सा मिलेगा। हाँ अलबत्त ये बात दुरुस्त है कि बेवा जो है अपने फादर इन लॉ और अगर डिजीज हस्बैंड के कोई रिलेटिव्स है, ब्लड रिलेटिव्स है, तो उसमें वो बिल्कुल हकदार नहीं है। लेकिन अपने डिजीज हस्बैंड की विरासत में वो बिल्कुल हकदार है अगर उसके बच्चे हैं, अगर मैरिटल लाइफ में उन दोनों के बच्चे हैं। तो फिर बेवा जो है वो विरासत में 1/8 की हकदार होंगी और अगर बेवा के अगर बच्चे नहीं हैं तो 1/4 की हकदार होगी। हाँ अलबत्ता बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कोई डिजीज हस्बैंड है तो उनकी प्रॉपर्टी में से क्या हम उसको हिस्सा दें या ना दें, क्योंकि वो तो डिजीज हो गया, उसकी जो है वो वफात हो गई है, तो अब बीवी का क्या ताल्लुक। तो बीवी का यहाँ पे ताल्लुक बनता है डिजीज की विरासत में से, ठीक है। दो कंडीशंस में, जैसे मैंने आपको बताया कि 1/4 उसको तब मिलेगा जब उसके कोई बच्चे नहीं होंगे और 1/8 हिस्सा उसको तब मिलेगा जब उन दोनों कपल्स के जो है कोई बच्चे होंगे, चाहे वो एक हो या दो हो या दो से ज़्यादा हो। तो बेवा जो है अपने डिजीज हस्बैंड की विरासती जायदाद जिसे विरासत की बिल्कुल हकदार है। तो उम्मीद है इस बात का आपको बिल्कुल जवाब मिल गया होगा। उम्मीद है कि आपके जो क्वेरीज होंगे बेवा के विरासती हिस्से के हवाले से तो वो आपको समझ आई होगी। अब तक के लिए इतना ही, मिलता है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।